नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के परिसर में, जहां पर आज इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यानी कि आज रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा बार एसोसिएशन जम्मू को, जिसके काफ़ी देर से चर्चाओं में थे कि आखिर बार के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। इस समय हम यहाँ के परिसर के पूरे आपको विजुअल्स बता रहे हैं, क्योंकि बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पोस्ट के लिए जो कंटेस्टेंट हैं, वो है पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट, पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, और साथ ही साथ ट्रेजरर के लिए, जो कि कंटेस्टेंट ने यहाँ पर नॉमिनेशन भरे थे। पर आज किसके सर जीत का सहरा बंधेगा, ये तो कल रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल हम बता रहे हैं यहाँ के आपको विजुअल्स कि पूरी जोरों शोरों से जो बार के जो वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और लगातार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शन को, कितना उत्साह है वकीलों में सर। देखिए, मेरा नाम वी एस सैनी, एडवोकेट, मैं यहाँ 15-16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे, और जितना उत्साह इस बार है इलेक्शन का, इतना मैंने आज तक कभी अपने 15-16 साल में नहीं देखा। क्या खास बात है इस बार के उत्साह को लेकर सर? उसका रीज़न ये है कि ये इलेक्शंस बड़े ही अरसे के बाद हो रहे हैं, और जिस हिसाब से पीछे हमारी टीम उस जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पे खरे नहीं उतर पाई, कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि हर किसी ने इस टीम से बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी टीम आए वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। जो वकीलों की ग्लोरी हमारी जा चुकी है, उसे लाने में पूरी की पूरी अपनी जो शिद्दत से काम करे और हिम्मत से काम करे, ताकि वो हम दोबारा हमारी जो ग्लोरी वापस आ सके और हम एक पहले वाली ज़िंदगी जो जी रहे थे वो। सर, एक सवाल आपसे कि काफ़ी चर्चाओं में है कि कहीं ना कहीं सियासत बार पर हावी हो रही थी, क्या ये सही है सर? कहाँ तक सही है? देखिए, ये नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सियासत, जब से सियासत हमारी बार एसोसिएशन में इन्वॉल्व हुई है, तब से हमारी एसोसिएशन का डे बाई डे बेड़ा गर्क हो गया है, कंडीशन डे बाई डे डिटेरियरेट हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, विदाउट एनी पार्टिसिपेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वोटर्स भी इस चीज़ को समझें और पॉलिटिक्स को अपनी एसोसिएशन से दूर रखें अगर वो अपनी एसोसिएशन को बचाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वोटर है, जो भी जितने भी वोटर्स हैं आपके बार एसोसिएशन जम्मू के, ऐसे प्रतिनिधि को लाएंगे जिसका कोई भी तालमेल नहीं होगा कम से कम पॉलिटिकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार हम सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत को लाएंगे, एक ऐसी टीम को लाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू हित में और अपनी बार एसोसिएशन के हित में ही बात करेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, लगातार हम आपको यहाँ के लाइव विजुअल इस समय बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से कि किस तरह से इस बार उत्साह है, और उत्साह का कारण क्या है वो भी हमने बताया, और यहाँ पर हर एक वोटर्स के जो यहाँ पर हम बता रहे हैं लगे हुए हैं, समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आम जनता को पूरी तरह से पूरी तैयारियां, और कल के दिन का हर एक को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि आखिर जीत का सहरा किसके सर लगने वाला है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भरत सिंह जम्वाल जी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे आज के इलेक्शन को लेकर? आज का इलेक्शन जो है वो जमहूरीत को जीवित रखता है, और जिस तरह जिन जिन हालात में से ये बार गुजरी है पास्ट में, ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन अब हालात सुधर गए हैं, आज बार का चुनाव होगा। सर, किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव चाहेंगे आप बार एसोसिएशन जम्मू के लिए? हमें तो प्रेजेंट रिप्रेजेंट चाहिए दो तरह का, एक तो एक वो जम्मू प्रोविंस की हिफाजत करे, बिल्कुल, और 10 जिलों को मिला के साथ चले, ये भी हमारा सवाल था जी। जब परसों वोटर मीट हुई तो उसमें ये पूछा गया सवाल कि जब आप बनोगे तो क्या करोगे, उन्होंने कहा कि मैं बाहर की हर चीज़ की इसकी इज्जत आबरू को बरकरार रखूँगा, इसके लिए लड़ूंगा, पार्टी पॉलिटिक्स को गेट के बाहर रखूंगा, ये बात उन्होंने कही, और इस बात पे हमें पूरा भरोसा भी है कि जो हमारा इस वक्त प्रेसिडेंट आएगा, चुनाव के आएगा, जनरल सेक्रेटरी या कोई और अहदेदार, और वो ठीक ढंग से काम करेगा, हमें पूरा भरोसा है, और बड़ा ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। इस तरह मैं अभी वोट डाल के आया हूँ, बड़ा साफ सुथरा है, किसी को कोई धक्का दुखी नहीं, कोई कुछ नहीं, और आजादाना मुनसफाना चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी बार मेंबरों का, बुकला हजरात का, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने अपना अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए जिस तरह उन्होंने तन मन और धन लगाया है, जिस सोच और लगन से वो काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जम्मू बार का जो इमेज गिरा हुआ था वो दोबारा उठेगा, शीश उठेगा और उसका उसका बोलबाला होगा लोगों के। एक सवाल आपसे भी करना चाहेंगे, महिलाओं की इस बार पार्टिसिपेशन देखने को नहीं, क्या कर रहे होंगे कि महिलाएं इस बार बाहर के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं किया उन्होंने? मैं वो पार्टिसिपेशन, देखो जी ये तो अब किसी के इंडिविजुअल मसला है, हम नहीं कह सकते उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन अंदर आप जाओगे जब अंदर जाके देखोगे महिलाएं बहुत तादाद में हैं। बिल्कुल, पर सामने नहीं आई है सर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां तो रही होंगी। कमी किसी को कोई नहीं है, कमी तो कोई नहीं है, ऐसे ही दिखने को तो देखो कोई कमी किसी कोई ढूंढने लगे तो नुक्स तो हर आदमी में है, लेकिन सवाल यह है कि कोई लेडी बार में कितनी सभी लोगों ने मीटिंगें की और क्या कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसने लेडी बार में जाकर मीटिंग की, और आप तो ये उन पर निर्भर करता था कि किसको चुनाव लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। चलिए धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हमारे साथ जुड़ चुकी है एडवोकेट लीना, आइए जानते हैं आज के इलेक्शंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रश्मि मैम। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज किसके सर पर जीत का सहरा बंधेगा और साथ ही साथ किस तरह का विजन लेकर आप भी चलती हैं कि इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए बार के लिए? जी मैम, आज हमारी बार की इलेक्शन है तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब दिग्गज कैंडिडेट हैं, कब अच्छे कैंडिडेट्स हैं, और जो है जैसा कि पता है कि हर साल हमारे बार के इलेक्शन होते हैं, उसी तरह इस आज भी बार के इलेक्शन है, कल आज वोटिंग है, कल काउंटिंग है, ये हमारी फैमिली इलेक्शन है, हमारा परिवार है, हम इस परिवार के एक मेंबर है। बिल्कुल। बट कुछ सियासती लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारी बार को छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न करने की काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन पॉलिटिकल, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी के एफिलेटेड बंदे को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि हमारी बार में जो आप फूट डलवाना चाहते हो, हिंदू मुसलमान जात पात, ये कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे सारे बार के मेंबर्स, हमारे सारे बार के कैंडिडेट्स एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड भी है तो हमें इतना भरोसा है कि हमारी जो है बार में पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेशर नहीं आने देंगे। पीछे साल दो साल में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने, पार्टी ने प्रेशर बनाने की कोशिश की, बट अब संभल के रही है। बार में भी सियासत चल रही थी, बार में सियासत हावी होने की बहुत कोशिश की गई, बट मैं अब ये चेतावनी देना चाहती हूँ, अब जो भी टीम इलेक्ट होके आएगी खैर मनाइए अपनी, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो जिन्होंने बार को तोड़ने की कोशिश की, बिल्कुल उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी आने वाली इलेक्टेड टीम देगी। जी धन्यवाद लीना जी हमारे साथ जुड़े के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट विशाल गम, सोशल एक्टिविस्ट, इनसे जाने के विशाल जी आज के इलेक्शन को लेकर किस तरह का उत्साह और किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव आप चाहते हैं? मैम देखिए, बार इलेक्शन जो होती है वो एक साल के बाद आती है और जो जो कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनको उत्साह तो होता ही है कि वही जीतें, लेकिन जीतने के लिए उनको कुछ बार के लिए काम भी करना पड़ता है, जो वादे करते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो खरा उतरते हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम वादे तो कर देंगे लेकिन बाद में वो दिखते ही नहीं। कुछ ऐसा ही पिछली बार ही हुआ, जो बार एसोसिएशन बनी हमारी, बड़ी उम्मीदें थी हमें अपने प्रेसिडेंट साहब से, लेकिन उम्मीदें अच्छी नहीं रही। लेकिन इस बार जितने भी कैंडिडेट आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जनरल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, ये सारे प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छे और काबिल और होनहार हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा बार एसोसिएशन के लिए, पूरी बार के लिए और हम जूनियर एडवोकेट्स के लिए। और बार एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे एक स्ट्रांग मानी जाती है। कोई स्ट्राइक का मामला हो, कुछ भी मामला हो, कोई भी जम्मू कश्मीर में कोई बात या कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले हमारी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन आगे होती है। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होकर आता है, बस जो भी कैंडिडेट विन होकर आता है वो बार के लिए कुछ अच्छा ही करे। धन्यवाद विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एडवोकेट ज्योति शर्मा, इनसे जानते हैं कि इस बार के इलेक्शन में महिलाओं का कहीं पार्टिसिपेशन नहीं मिला। ज्योति जी क्या कारण है बताइए? देखिए जहाँ तक महिलाओं का कारण है तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ये देखना चाहिए, महिला या पुरुष से हट के हम वकील हैं,
मुझे तब खुशी होगी जब कोई मुझे एज अ वकील देखेगा। जहाँ तक हमारे पार्टिसिपेशन की बात है, टाइम टू टाइम हम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप वोटिंग के लिए तो आ रहे हैं, कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा है, देखिए इसमें हर किसी का अपना एक जाति राय है, क्योंकि कोरोना का टाइम है, मेल्स तो फिर भी बाहर निकल सकते हैं, फीमेल्स को बच्चे संभालने हैं, घर में हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो उस कारण से जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बीइंग फीमेल, तो आपको सारी जगह जाना है, वो आप परहेज नहीं रख पाएंगे। एसओपी कितनी भी फॉलो होगी, खाना तो एक फीमेल को ही बनाना है, बच्चे को रोटी भी देनी है। तो उस कारण एक बड़ा एक रीज़न रहा कि कोरोना में हमने अपने आप को पार्टिसिपेशन जो थी एज अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बच्चे और हमारे घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी हमारे पास सबसे पहले है। मतलब ये कारण है कि जो इस बार कैंडिडेट जो महिलाएं नहीं सामने आईं, महिलाओं का सिर्फ यही। इस बार क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे को आज के इलेक्शन को लेकर के, आज के इलेक्शन को लेकर हमारे को बहुत उम्मीदें हैं। जो भी टीम निकल के आए वो बार की बेहतरी के लिए आएगी, और वो बार की जो हमारी ग्लोरी है उसको वापिस लाएगी। और जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं पांच पोस्टों के लिए, सबके सब हमारी अपनी फैमिली से, जो भी जीत के आएगा हम इक्वली खुशी होगी। ज्योति जी मानती है ना कहीं बार की ग्लोरी में फ़र्क पड़ा, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी में, क्योंकि बार एसोसिएशन जम्मू एक अहम रोल रहता था हमारे जम्मू के, जम्मू वासियों की वेलफेयर के लिए, जम्मू की वेलफेयर के लिए, खास करके बार की वेलफेयर के लिए, कहीं ना कहीं वो लुप्त होती दिखी गई। देखिए उसका उसका लुप्त होने का कारण सिर्फ इतना है कि पिछले कुछ टाइम से हमारी कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से सारा सिस्टम बंद था, तो इलेक्शन नहीं हो पाई। जब हमारे पास इलेक्टेड टीम नहीं थी, उस वजह से क्या था कि हमारी अपनी बात कहीं भी पहुंचानी है वो नहीं प्रॉपर पहुंच पा रही थी। तो इसीलिए वो जो एक डेढ़ साल का टेन्योर जो कोविड की वजह से नेशनल लॉकडाउन लगना है या अदरवाइज सिस्टम जो बंद रहा, उसकी वजह से हमें बहुत फर्क पड़ा। लेकिन अब हमें उम्मीद है रिप्रेजेंटेटिव चाहती है किस तरह की टीम सामने आनी चाहिए। देखिए एवरी लॉयर इज अ लीडर, ठीक है, हमारे को वो पर्सन चाहिए जो कि जो हमारे बाहर के इश्यूज हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करे, जो हमारे अपने जम्मू का जो हमारा इशू है उस चीज़ को भी सामने रिफ्लेक्ट करे कि कल को क्या प्रॉब्लम है वो सामने लेके आए, उसको लीड करे, उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जो है वो पुट फोर्थ करे। जी धन्यवाद ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों ये थे हमारे साथ एडवोकेट ज्योति शर्मा, जिन्होंने बड़ी साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि इस बार उम्मीद करते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर सामने आए जो बार एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए, खासकर जम्मू वासियों की वेलफेयर के लिए हमेशा शाना बशाना खड़े हैं। चलिए इंतज़ार की घड़ियां कहते लंबी होती है, तो इंतज़ार भी कभी ना कभी ख़त्म होगा, यानी कुछ घंटों के बाद, यानी कल रिजल्ट आउट होगा। अब देखते हैं बार के जो वोटर्स हैं किसके सर जीत का सहरा बांधते हैं, यानी 15 कंटेस्टेंट इसमें अलग अलग पोस्ट पर जिन्होंने कंटेस्ट करने के लिए सामने आया है। अब देखना यह है कि वोटर किस पर अपना विश्वास जताते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बार सुर्खियों में था, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव या टीम एक होने के ना होने की वजह से बार काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा था, यानी जितने भी लायर्स हैं काफ़ी उनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी या उनकी बात को आगे रखने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव सही तरह से नहीं था। चलिए इस बार देखते हैं क्या एक नई टीम का गठन होता है, बार किस पर विश्वास जताता है किस पर नहीं, कल भी हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।